हेलो दोस्तों, आज हम लोग निकले हुए हैं घूमने के लिए और हमारे साथ में हमारे बड़े भाई अशरफ और बड़े भाई कमरू जमा साहब हैं। तो इनको बड़ा भाई कहने पे हमारे कमरू जमा साहब को ये अपने को छोटा ही मानते हैं। एक कमरू जमा भाई और अशरफ भाई हैं जो आप देख रहे हैं, और इनके पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे जो नदी के किनारे का है, दूसरे छोर का है। हम लोग आए हुए थे घूमने के लिए थोड़ा, तो हम लोग छोटा सा एक वीडियो भी शूट कर लिए। हम सोचे कि भाई हमारे साथ साथ आपको भी इसकी खूबसूरती दिखनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ अपने कैमरे को दूसरे साइड भी। ये देखिए, ये इसको घाट भी बोलते हैं यहाँ, और ये देखिए नदी काफ़ी दूर तक आपको दिख रहा है। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ इस नदी की विशेषता के बारे में जो है सर। और इसके जस्ट बाजू में एक देखिए बाग भी है इसकी विशेषता। अभी मैं आपको अंदर बाग के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसा आपको दृश्य देखने को मिलेगा, और बहुत ही खुशनुमा देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि हाँ भाई है कुछ। ये हमारे अशरफ भाई से कुछ इस नदी के बारे में जानते हैं कि इस नदी का विशेषता क्या है। हाँ तो अशरफ भाई कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, मैं अशरफ खान, मेरा भी एक चैनल है अपना ASF न्यूज चैनल, लेकिन मैं लाइव नहीं आता हूँ, वॉइस दे देता हूँ। अन्य लोगों के चैनल पर मैं लाइव आ जाता हूँ, जैसे दीवान यूट्यूबर हुआ उस पर भी मैं लाइव आकर लोगों को कुछ बताया हूँ, और म्यूजियम के हिंदी हुआ वहाँ पर भी मैं लाइव आकर बताया हूँ, डायबरा समाचार हुआ वहाँ पर भी मैं लाइव आकर बताया हूँ, बासगांव संदेश हुआ वहाँ पर भी मैं लाइव आकर बताया हूँ, और अभी इनके चैनल पर तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपना खुद का भी चैनल है, मैं एक पत्रकार भी हूँ, लेकिन मैं लाइव बहुत दूसरों के चैनल पर आया, कि मैं अपने जो मेरा पर्सनल चैनल है ASF न्यूज चैनल, उस पर मैं फर्स्ट टाइम, मतलब कभी भी नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम भी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा ना घुमाते फिराते हुए, सीधा रास्ते पर चलते हुए मैं आपको इस नदी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये नदी का नाम जो है, इस नदी का नाम है कुआनो। तो कुआनो नदी कहते किसको, आखिर इसका नाम कुआनो ही क्यों पड़ा, क्योंकि राप्ती है, सरजू है, हर नदियों के नाम के पीछे कुछ न कुछ एक विशेषता होती है, तो इसका नाम कुआनो क्यों पड़ा। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये नदी जो है बहराइच से निकली हुई है। बहराइच में एक कुएं की खुदाई हो रही थी, तो खुदाई के समय पानी इतना ज़्यादा मतलब वहाँ से निकलने लगा जो अनियंत्रित हो गया, और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही ऐसी नदियाँ होंगी जो पूरब से पश्चिम बहती हैं, और बाकी की सारी नदियाँ जो हैं पश्चिम से पूरब की साइड ही बहती हैं। तो ये जो जिस जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, यानी कि पश्चिम की साइड में ही बहराइच पड़ता है, तो वहाँ से जब पानी अनियंत्रित होगा हो गया कुआं खुदाई में, तो ये पानी का बहाव इधर ही आता गया, और ये काफ़ी लंबी नदी नहीं है बहराइच से लेकर, और यहाँ पर शाहपुर बनकटी घाट है, इसके बगल में जो है सरजू नदी, वहाँ पर जाके मिल गई है। तो इसका मतलब सब मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि वो नदी जो है कुआं की खुदाई से निकली और अपना रास्ता बनाते गए, एक नदी का निर्माण हो गया, इसलिए इसको कुआनो कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए धन्यवाद, फिर कभी मिलते हैं इनके चैनल पर या खुद के चैनल पर। हमारे कमरजमा भाई गाड़ी घुमा चुके हैं, अभी हम लोग जाने की तैयारी में, ये बैठ गए और ये मैं बैठ गया, और अभी हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से बैक टू पवेलियन। ये हम लोग जंगल के रास्ते होते हुए वापस हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। बड़े महंगे हमारे वाइस हैं भाई साहब, फ्री में हम, और बहुत ही पतला रास्ता जिसको हम पगडंडी भी बोल सकते हैं। ये देखिए बांस के पीछे से,